Next, explain the structurer और arranger of the deal. अलेन ये पूरा का deal का structuring या arrangement. Ultimately, it is done by the originator only, but still उसको नाम दिया गया है structurer. It brings together the originator, investor, credit enhancer, and other parties to the deal organization. Normally, these are investment bankers, also called arranger of the deal. It ensures that the deal meets all legal, regulatory, accounting, and tax law requirement. देखो, यहाँ पे कुछ उन्होंने ऐसा दे रखा है. Asset originator, special purpose vehicle, and investor. सबसे पहले हमको ये जो ब्लू कलर है, लाइट ब्लू, वो देखना है. ओरिजिनेटर यानी कि HDFC बैंक ट्रांसफर्स असेट टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल. असेट्स बिकम इम्यून. इम्यून का मतलब क्या होता है? इम्यून का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में, लेट से वो ओरिजिनेटर के बैलेंस शीट से निकल के अभी स्पेशल पर्पस व्हीकल के बैलेंस शीट में आ गया है. फ्रॉम द बैंक्रप्सी ऑफ द सेलर एंड काउंटर पार्टी रिस्क. यानी लोग क्या कहना चाहते हैं कि अगर बाय चांस ओरिजिनेटर HDFC बैंक डिफॉल्ट करता है तो एग्जिस्टिंग लेंडर्स का ये असेट्स के ऊपर कोई भी राइट नहीं रहेगा, ऐसा वो लोग कहना चाहते हैं. इश्यूइंग एजेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल. फिर वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर इनटू सेवरल ट्रांचेस बेस्ड ऑन द रिस्कीनेस रेटेड बाय द रेटिंग एजेंसीज. तो उसको स्ट्रक्चर किया जाएगा अलग अलग ट्रांचेस में. स्पेशल पर्पस व्हीकल इश्यूज असेट बैक्ड डेट सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स ऑन कैपिटल मार्केट. वो लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टर बाय द सिक्योरिटीज फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल, उन्होंने बाय किया. तो यहां पे उनके पास पैसा आया. स्पेशल पर्पस व्हीकल सेंड्स सेल्स प्रोसीड्स टू द ओरिजिनेटर, ऐसा हम लोग समझते हैं.